वंदे मातरम, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला साउथैम्पटन में खेला गया था। इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में बरसात और बैड लाइट ने परेशान किया, लेकिन आखिर मैच के छठे दिन न्यूजीलैंड ने पासा पलट दिया और टीम इंडिया को 8 विकेट से हराते हुए इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। पहले 5 दिनों में शुरुआती 2 दिन का खेल तो बारिश में पूरी तरह धुल गया था। मैच के पहले और चौथे दिन एक भी गेंद फेंकी नहीं जा सकी थी। इस तरह से न्यूजीलैंड ने भारत को 3 दिनों के अंदर हरा दिया। इस हार के बाद टीम इंडिया की आलोचना सोशल मीडिया पर जोरों से हुई। विराट कोहली समेत टीम इंडिया पर आलोचना की गई। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन्ग और टीम इंडिया के समर्थकों के बीच तो जैसे 36 का आंकड़ा रहता है। इंडिया कोई भी सीरीज खेल रही हो या नहीं, माइकल वॉन्ग के पास टीम इंडिया के लिए कोई ना कोई टिप्पणी जरूर होती है। वॉन्ग अपने अनाप शनाप कथनों की वजह से कई बार ट्रोल हुए हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते, और इस बार तो उन्हें ऐसा मौका मिला जिसका उन्हें लंबे समय से जैसे इंतजार था। टेस्ट मैच से पहले वॉन्ग ने प्रेडिक्ट करते हुए कहा था कि न्यूजीलैंड मुकाबला जीतेगा, पर तब इंडियन फैंस ने उनकी क्लास लगा दी थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार के बाद वॉन्ग ने इंडियन फैंस के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। वॉन्ग ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे हजारों इंडियन फैंस से माफी मांगनी पड़ेगी, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि न्यूजीलैंड मुकाबला जीतेगा। माइकल वॉन्ग ने मैच के बाद एक और ट्वीट करते हुए कहा कि 5 मिलियन की आबादी वाले देश ने 1.3 बिलियन वाले देश को हरा दिया। भारी भरकम पैसा और साधन से कुछ नहीं होता, इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। वेल डन न्यूजीलैंड। टीम इंडिया को इन सारी टिप्पणियों को एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए और अपने आने वाले सभी मैचों में प्रदर्शन के रूप में इन सब कुछ चांटा लगाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इंटेंस अनाउंसमेंट को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।